ए भाई पैसा दे रहा है, किधर गया यार पैसा दे भाई, क्या कर रहा है? 1260 रुपए दे चल। ये कौन सा टिकट है? आदमी 11 बजे सोए रहेगा। बंदे पे बैठो ना, पूरी सीट क्यों घेर रहे हो भाई? भाई कर रहे हैं, ऑपरेट करना सीखो। अरे भाई एक बंदे की सीट है, पूरे पे लेट के जा रहे हो, उधर चार बैठे, इधर चार नहीं बैठेंगे? दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक नए रेल ब्लॉग में, और स्वागत है आपका माया नगरी मुंबई के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी। और आज की जर्नी अपनी कुछ अलग हट के होने वाली है, क्योंकि आज अपनी जर्नी नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की होने वाली है। सही सुना, आज अपनी कुछ अलग हट के जर्नी हो रही है मुंबई से नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस की। और ये टोटली एसी ट्रेन है, सिर्फ इसमें एक और एकमात्र जनरल कोच लगाया है, उसी में आप अपनी जर्नी होने वाली है। और बात करें दुरंतों की, तो भारत में टोटल 24 दुरंतो ट्रेन चलती हैं, उसमें से 12 एसी हैं। इसी दुरंतो एक्सप्रेस की आज की अपनी जर्नी होने वाली है, तो जर्नी में बने रहिएगा। और चलते हैं स्टेशन के अंदर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा, यह है एंट्रेंस गेट, आप देख सकते हैं। और हम लोग आ चुके हैं एंट्रेंस गेट के अंदर, चलते हैं। और अगर आप मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो रुकने का बहुत आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। सामने आपको दिख रहा होगा अर्बन फोर्ट, जो भारत में पहली बार खोला गया जापानीज स्टाइल में, उसमें आप स्टे कर सकते हैं। और सामने कमसंग फूड ट्रैक है, इसमें से आप भोजन ले सकते हैं। तो ये था मुंबई सेंट्रल के अंदर का नज़ारा, और चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। और देख सकते हैं दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली जाने वाली, लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और आप देख सकते हैं इसी की आज की अपनी जर्नी होने वाली है 222/09, जो मुंबई सेंट्रल से चलकर नई दिल्ली को जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने ट्रेन में चढ़ने के लिए कितने भीड़ है अपने दुरंतो ट्रेन में, चढ़ने के लिए काफ़ी भीड़ लग चुकी है। और अपना जो कोच है DL1 वो एकदम पीछे की ओर लग चुका है, और हम लोग आगे की ओर चले गए थे, तो चलते हैं एकदम पीछे की ओर और दिखाते हैं उसका इंटीरियर आपको। ये हम लोग आ चुके हैं एकदम अपने पीछे वाले जनरल कोच में अपने, तो इसी में आज की अपनी जर्नी होने वाली है। तो आइए चलते हैं कोच के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का इंटीरियर। और अपनी कोच में देख सकते हैं भीड़ कैसा हुआ, सीट भर चुका है। कौन सी है ये? है मेरे पास जनरल कितने नंबर में? नहीं सीट की पूछ रहा हूँ। आपका दो दिन आप दोगे ना मैडम जी? आपका किधर है? किधर है बता दो आप, इधर किधर है? फटाफट कौन है आपके साथ में? हमें तो सिर्फ 40 दे दियो आप बस आराम से, हमें 40 की आगे वाला। फटाफट कौन सा नंबर आपका?
19 क्या नाम है? शंकर. आपका क्या नाम है भाई? अनुज. अनुज क्या नंबर है? 15. 18 दिलीप त्रिपाठी. 16 17 गौरव विजय. आपका बंधु? 11 यस. 14 वाले कौन है आपका? तो यही है OTT महोदय, जिन्होंने पैसे ले लेकर पूरे कोच में यात्रियों को विदाउट टिकट भर दिया और जिसकी वजह से लोगों को पूरा परेशानी का सामना करना पड़ा. ना लोग लैट्रिन जा पाए, ना बाथरूम जा पाए, पूरी ट्रेन में एकदम कचरा ही कचरा कर दिया. भाई पैसा दे रहा है? किधर गया यार? पैसा दे भाई, क्या कर रहा है? 1260 रुपए दे चल. ये कौन सा टिकट है? मैडम पैसा दीजिए, 1260 रुपए दीजिए. ये तो नीचे आ जाइए. चलो नीचे से कहीं अच्छे की. चलो फटाफट. चलो मैडम, मैडम आइए नीचे. आप जाए अंदर. चलो हाँ, हो जाएंगे ना पेनल्टी 5000 उधर. हाँ जी, हाँ जी. अंदर जाओ, इधर खड़े मत रहो. एक तो पानी का बोतल. हाँ, एक तो नट. हाँ, ये टेस्टी नट दे दीजिए. लो भाई. एक तो फीस दे दीजिए. कितने के है? ओह, ये लग चुकी है अपनी प्लेटफार्म नंबर 1 पे दुरंतो ट्रेन, और इसी की जर्नी आज की अपनी होने वाली है. तो अपनी सीट है जो D1 कोच में, अपनी 16-17 नंबर सीट है. तो अपने सीट में हम लोग आप लोग को दिखा दिया इंटीरियर. और बात करें इस दुरंतो ट्रेन की, तो इसकी टोटल जर्नी होने वाली है अपनी 17 घंटे की. तो यानी 17 घंटे में अभी हम लोग 11 बजे बैठते हैं इस ट्रेन में, और 11 बजे डिपार्ट होगी. तो अगले दिन सुबह मतलब दोपहर के 4 बजे तक अपने को दिल्ली छोड़ देगी. तो टोटल कुल 17 घंटे की जर्नी होने वाली है. हॉल्टिंग की तो टोटल इसके 3 हॉल्टिंग होने वाला है. पहला वडोदरा, दूसरा रतलाम और तीसरा कोटा. तो मतलब 3 हॉल्टिंग के बाद अपनी ट्रेन पहुँच जाएगी दिल्ली स्टेशन पर. तो मतलब नॉन स्टॉप ट्रेन है, मतलब यहाँ से टोटल खुलेगी और सीधे बीच में आप कोई भी इसमें ना चढ़ सकता है ना उतर सकता है. तो बस चलते हैं ट्रेन के अंदर और शुरू करते हैं इसकी जर्नी. तो एकदम राइट समय रात के करीब 11 बजे से अपनी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से.
बैठो ना, पूरी सीट क्यों घेर रहे हो भाई? भाई कर रहे हैं इतनी देर से, ऑपरेट करना सीखो। अरे भाई एक बंदे की सीट है, पूरे पे लेट के जा रहे हो, उधर चार बैठे, इधर चार नहीं बैठेंगे? भाई भाई कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, तेल लगवा रहे हैं। लंबा यार सफर, यार निकल जाएंगे हम अपना। छह बैठा बैठा क्या बार बार कर लो भाई, पहले तो रुक जाना चाहिए। सही बैठा दोस्तों, ये है अपने ट्रेन के कोच, जनरल कोच का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये है अपने जनरल कोच के दुरंतों का नज़ारा, आप देख सकते हैं। लैट्रिन जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्या हालत हो गया। हमने कभी सोचा ऐसा नहीं था कि जनरल कोच में दुरंतों में भी ऐसा हाल होगा, लेकिन आप देख सकते हैं सबसे बेकार यात्रा है। तो रात के लगभग 3:40 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन 20 मिनट देरी से पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन पे। 392 किलोमीटर का दूरी तय करके और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन पे। तो वडोदरा जंक्शन का ये है प्लेटफार्म नंबर 5 और प्लेटफार्म नंबर 5 पे अपनी ट्रेन आ चुकी है। और नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफार्म का स्टेशन है। टोटल यहाँ पे 339 ट्रेनें हाल्टिंग करती हैं और 20 ट्रेनें यहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो वडोदरा पड़ता है अपना वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा जोन में। कि तो ट्रेन, मतलब ट्रेन तो अच्छी है, दुरंतो अच्छी ट्रेन है, हमने यही सोच के इसमें जर्नी करने का सोचा था। लेकिन बात करें इसके जनरल कोच की, तो जनरल कोच की हालत इसकी इतनी ख़राब है, हमको जितना सामान्य कोच के जनरल कोच, मतलब सामान्य ट्रेनों के जनरल कोच में जितना हालत नहीं ख़राब होगा, उससे ज़्यादा कहीं इसमें हालत ख़राब है। क्योंकि टीसी ने मुंबई सेंट्रल रेलवे पे ही बहुत सारे लोगों को, मतलब फर्जी, मतलब टिकट बना के अंदर बैठा दिया, जिसका टिकट नहीं था उसको भी बैठा दिया। इसके कारण ट्रेन में इतना, मतलब रश हो गया कि, मतलब लैट्रिन बाथरूम आने जाने के लिए भी कहीं जगह नहीं था, एकदम लोग एकदम रास्ते में पड़े थे। और बैठने का भी हालत ख़राब हो गया, तो मतलब बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया है। और क्या बताएं आपसे, दुरंतों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब पीसीएन ने ऐसा कैसे किया, अब क्या पता
तो बाकी जर्नी में बने रहिए, इसके बाद मिलेंगे आपसे सीधे रतलाम पे। अच्छे लोग एक पे हो रहे हैं, सही बात। फालतू में मतलब है पैसे ले लेके टिकट बना दिए, इतना जगह इसमें कम है कि मतलब लोगों को दिक्कत हो गया बैठने का। अरे आके लैट्रिन बाथरूम के बाद बैठ गए हैं, जाने आने का जगह नहीं है, अब क्या किया जाए बोलिए। हाँ नहीं तो इतना तो मतलब टीटी को दो चार। तो दोस्तों वडोदरा पे 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेशन रतलाम जंक्शन पे। आदमी 11 बजे ही सोए रहेगा। तो सुबह के 7:10 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है लगभग 10 मिनट की देरी से रतलाम जंक्शन पे। रतलाम जंक्शन पे इसका आने का टाइमिंग था 7 बजे, लेकिन ये ट्रेन 10 मिनट की देरी से यहाँ पे आई है और टोटल ट्रेन ने डिस्टेंस तय किया है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन आ चुकी है रतलाम जंक्शन पे। तो रतलाम जंक्शन की बात करें तो टोटल 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, ये पड़ता है अपना वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में। और स्टेशन कोड की बात करें तो RTM इसका स्टेशन कोड हुआ और रतलाम जंक्शन अपना पड़ता है दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे, मुंबई दिल्ली मेन लाइन पे अपना स्टेशन पड़ता है। बाकी अगर रतलाम आते हैं तो रतलाम का सेव आपका बहुत फेमस है। और अपने पीछे गई है अजमेर से एर्नाकुलम जाने वाली अजमेर एर्नाकुलम एक्सप्रेस, और अगर आप रतलाम आते हैं तो रतलाम का सेव बहुत फेमस है, सेव खाना ना भूलिएगा, मतलब सेव गांठिया सेव यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हम भी रात में सो गए थे, जस्ट अभी उठे हैं तो रतलाम आया, तो मतलब आ गए आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी यही थी रतलाम की स्टोरी और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज कोटा जंक्शन पे। तो अपनी ट्रेन का रतलाम से डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज कोटा जंक्शन पे।
तो दोस्तों बात करें कोटा की, तो कोटा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। कोटा की बात करें तो कोटा टोटल 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और ये आता है अपने वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के कोटा डिवीजन में। और स्टेशन कोड हुआ इसका KOTA, मतलब नाम के अनुरूप इसका स्टेशन कोड भी है। और कोटा को हब ऑफ कोचिंग के लिए जाना जाता है। अब पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो कोटा 3rd नंबर पे आता है, जयपुर और जोधपुर के बाद 3rd नंबर पे पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से बीना को जाती है और एक लाइन चित्तौड़गढ़ के लिए, इसीलिए जक्शन पॉइंट भी है। दिखा देते हैं आपको इसका डिपार्चर। यार अपने बगल में खड़ी हुई नंदा देवी एक्सप्रेस जो कि देहरादून तक जाती है कोटा से, और सामने खड़ी अपनी कोटा से देहरादून जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस। तो बाय बाय कोटा, मिलेंगे फिर कभी। अपना कोटा में आखिरी स्टॉपेज था, इसके बाद सीधे ट्रेन रुकेगी शाम को 4 बजे दिल्ली में। तो हमने कोटा से कुछ खाने पीने का आइटम ले लिया, कोटा की कचौरी बहुत फेमस है इसलिए हमने कचौरी ले लिया और बाकी पानी की बोतल, चिप्स, नमकीन ले लिया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है कोटा कचौरी। और अपने गौरव भैया बताएंगे कचौरी का टेस्ट कैसा है। भाई कचौरी लाजवाब है, गरम है और फिर वाकई में ज़बरदस्त। कोटा जंक्शन अगर आप आते हैं तो कचौरी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, अच्छा टेस्ट है इसका, मज़ा आ गया खाके। कोटा जंक्शन में कचौरी इंजॉय करते हुए मिलते हैं आपको दिल्ली में। और इस समय हम लोग स्किप कर रहे हैं पलवल। पलवल जो हरियाणा ज़िले में पड़ता है उसको इस समय हम लोग स्किप कर रहे हैं। अपनी हजरत निजामुद्दीन से नागपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन। मेन पे मत जाओ, बहुत है कानपुर से लखनऊ की, बहुत है ना। राजधानी कितनी जा रही है देखो, भुवनेश्वर राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, अभी सब 5 बजे के टाइम खुलेंगे। अरे अब ट्रेन का टाइम हो गया, 11-12 बजे ट्रेन है। तेलंगाना एक्सप्रेस नहीं।
नई दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस, और इसी के साथ ही अपनी ट्रेन आ चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और बात करें इस ट्रेन की यार, तो ट्रेन तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, लेकिन इसका जनरल कोच बहुत ही बेकार है, क्योंकि जनरल कोच में इससे यात्रा करने लायक नहीं है। क्योंकि जनरल कोच में हम लोग यात्रा किए हैं, इसमें इतना लोगों को मतलब टीसी ने पैसे ले लेके भर दिया कि सभी की हालत ख़राब हो गई, रात भर एकदम बैठ के आना पड़ा। तो अगर आप इसमें यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, तो आप इसमें एसी में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जनरल कोच में आप कतई यात्रा ना करें। इसके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें जनरल कोच में यात्रा करें। आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो टोटल 16 प्लेटफार्म का ये स्टेशन है। और बात करें इसके स्टेशन कोड की तो इसका NDLS स्टेशन कोड हुआ। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन दुरंतों का आने का टाइमिंग था 3:55 पे, लेकिन ये ट्रेन आई है पूरे 10 मिनट लेट, यानी 4:05 पे। तो बाकी अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली डिवीजन में। तो अपने साथ में अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं, इनसे हाँ ये क्या नाम है, दिलीप कुमार, हाँ दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, ये भी हमारे साथ मतलब मुंबई से ही आए हैं, तो इनसे मतलब रहते हैं दिल्ली, तो इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कुछ घूमने लायक कुछ जगह बताइए कुछ। हाँ जैसे इंडिया गेट, हाँ और कलोर बाग है, हाँ और बहुत सारी बाजारें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की। अच्छा अच्छा, जहाँ पे मतलब सामान ज़्यादा मतलब उसी जगह से ज़्यादा सस्ता मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ का फेमस क्या चीज़ है बताइए, फेमस जानकारी नहीं है, चलिए ठीक है, भाई को भी जानकारी नहीं है, फेमस तो मेन गाली है। सही बोले, दिल्ली और हरियाणा की गाली बहुत फेमस है। बाकी अपनी जर्नी का यहीं पेंट करते हैं, और भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, एक लाइक कर दीजिए, लाइक हाँ। तो इसी के साथ ही अपनी जर्नी का एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।